सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। हुनरबॉज सीजन 5 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता। एक पुरानी चाइनीज कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, हजार साल की यात्रा भी एक पहले कदम से ही शुरू होती है। कोशिश करने से आप कभी मत डरना, क्योंकि लगातार कोशिश करने से ही सफलता जरूर मिलती है। पानी की एक छोटी सी बूंद को ही लीजिए, एक अकेली बूंद किसी काबिल नहीं होती, राइट? बट बिलियंस ऑफ दीज लिटिल ड्रॉप्स टुगेदर मेक अ माइटी ओशन। तभी तो कहावत है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। हम सबको अपने लिए इंस्पिरेशन की एक ऐसी ही छोटी सी बूंद चाहिए, ताकि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सफलता का महासागर बना सकें। प्रेरणा की सी बूंद को तलाशते आज हुनरबाज का कारवां पहुंच चुका है मेहसाणा, जो अहमदाबाद से करीब एक घंटे की दूरी पर स्थित है। शहर से दूर होने के बावजूद ये जगह काफी डेवलप्ड है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बहुत मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, यानी यहाँ स्वरोजगार का बोलबाला है। और स्वरोजगार के लिए युवाओं को कई तरह की ट्रेनिंग देकर तैयार करने का जिम्मा उठाया है बड़ौदा आर सिटी मेहसाणा ने। ट्रेनिंग ऑन साइट हो या ऑफ साइट, बड़ौदा आर सिटीज का मकसद साफ है, देकर हाथों में हुनर, आपको बढ़ाए उन्नति के पथ पर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अब दीपिका बेन को ही देख लीजिए, जिन्होंने कभी इसी आरसीटी से खाखरा और पापड़ बनाने की ट्रेनिंग ली थी और आज अपना खुद का उद्योग चला रही हैं, जिसमें धीरे धीरे और महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। यही तो करना चाहता है बड़ौदा आरसीटी। जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को अवेयर करके, उनको रोजगार न दे करके, रोजगार की जगह पे हम उनको स्वरोजगारी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें, ताकि वो खुद रोजगारी बने और रोजगारी बनने के साथ साथ अपने ही क्षेत्र के किसी दो व्यक्ति को वो रोजगार दे। और एक इंडिविजुअल व्यक्ति का डेवलपमेंट ना हो करके एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। जी हाँ, एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन करने की ताकत रखता है आपका हुनर, जिसकी परख करने के लिए आज आरसीटी मेहसाणा में होने जा रहा है एक जबरदस्त मुकाबला, जिसके बारे में हमें बताएंगे सनी। क्या कभी ज्वेलरी या फिर गहनों के बिना महिलाओं का श्रृंगार पूरा हो सकता है? भाई नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है, राइट? क्या हमने कभी ऐसी कोई काकी जी, मामी जी, मौसी जी या फिर आंटी जी को देखा है जिनको गहनों का शौक ना हो? नहीं ना, कभी नहीं। लेकिन आजकल के बदलते हुए फैशन ट्रेंड्स की वजह से सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गई है आर्टिफिशियल यानी कि हैंडमेड ज्वेलरी। और वो भी क्यों ना, ये आखिरकार पॉकेट फ्रेंडली जो होती है, यानी कि खरीदार भी खुश, खरीदार की पॉकेट भी खुश, और जो इसे बनाने का हुनर रखता है वो तो डबल खुश। तो आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि आज के हमारे इस हुनरबाज के एपिसोड का कॉम्पिटिशन क्या हो सकता है। यस राइट, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मेकिंग कॉम्पिटिशन। और उसके लिए हम आ पहुंचे हैं आर सिटी मेहसाणा गुजरात में। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया। और हम पहुंच चुके हैं मेहसाणा गुजरात में। और जब मेहसाणा की बात की जाए तो यहाँ की दो चीजें बहुत ही फेमस है, पहली आर सिटी मेहसाणा और दूसरी आर सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हुनर। तो आज इन्हीं हुनरबाजों के हुनर को जांचा जाएगा, परखा जाएगा हमारे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मेकिंग कंपटीशन के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं कि कंपटीशन है क्या। आज का कंपटीशन है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मेकिंग का, जिसमें भाग ले रहे कंटेस्टेंट्स को तैयार करना है एक गले का हार, जिसके लिए इन्हें समय दिया जाएगा सिर्फ 2 घंटा। और इस टास्क की जज हैं अमिता चौहान और हेमा बेन पटेल। सबसे पहले बुलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 पुष्पा बेन। मेरा नाम पटेल पुष्पा बेन अरशद भाई है, मैं 10 तक पढ़ी हूँ, मेरी शादी को 20 साल हो गए।
बचपन पहले हीरे में जाते थे तो हीरे में तो चढ़ाव उतार आता रहता है, कभी मंदी आ जाती है, कभी तेजी आ जाती है, तो उसमें कोई फिक्स पगार नहीं होता है। जब कमी आई तो फिर मैं धीरे धीरे ये बंगड़ी बुट्टी केर जूड़ा कलश का सबका उपयोग होता है वो सब बनाना धीरे धीरे शुरू किया, तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, घर का खर्चा हो जाता है। सपना तो है कि बहुत सारा बना के सब जगह पे मैं बेचूं, कि इसकी बहुत सारी मार्केट हो। और मैं अभी जाती हूँ तो दुकान पे देखती हूँ तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ऐसा भी हमारा एक मार्केट हो। घर पे बनाती थी लेकिन कॉम्पिटिशन में कभी नहीं बनाई, पहली बार मैं भाग ले रही हूँ। आज सब मेरे सामने है तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है कि मैं इतने तक पहुँच गई हूँ आज, वरना तो घर पे ही रहते थे। आज पता नहीं कुछ हो रहा है, अलग ही हो रहा है कि मैं टीवी पे जाने वाली हूँ। चलिए बुला दे हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को जिनका नाम है किरण बेन। मेरा नाम किरण बेन है और मैं मेरा द्रज गांव से हूँ। हम पूरे घर में 4 लोग हैं। मेरे हस्बैंड है ना वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और मेरी सास घर पे रहती है। मेरा बच्चा है जो 8 साल का है वो अभी स्कूल में जाता है। बड़ोड़ा में से मैंने ज्वेलरी मेकिंग की ट्रेनिंग की थी और उसके बाद मैंने घर पे ही अपना कारोबार शुरू किया। जब भी स्टॉल होता है कुछ लेने जाना हो तो मेरे हस्बैंड भी लाते, मेरी सास भी मुझे सपोर्ट करती है कि मैं कुछ बनाने बैठी हूँ ना तो थोड़ा बहुत काम हो तो घर का भी वो भी कर लेती है। कुछ भी हो जाए सबसे अच्छा मेरे को बनाना है और कॉम्पिटिशन में मैं जीत सकूँ, ऐसी मुझे मन में ऐसी इच्छा है। Now is the time to call upon our third contestant, Shaguna Ben. मेरा नाम शगुना है, मैं सुंडिया की रहवासी हूँ। जब मैं छोटी थी ना तब मेरे मम्मी पापा खेती कर रहे थे, अभी जब मैं बड़ी हो गई तब उन्होंने उनकी तपलीकियाँ बेच कर और मुझे बहुत आगे बढ़ाया। ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता था ना कंगन सेट वो हम दिल से सीखते थे और फिर घर पे प्रैक्टिस भी करते थे, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मन ऐसा है कि मैं आगे आगे बढ़कर बहुत सारा बनाऊँ, पैसा कमाऊँ और मेरे मम्मी पापा को मदद हो जाए, ऐसे कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने कभी कंपटीशन में पार्टी नहीं की, जीत गए तो हौसला बढ़ जाएगा ऐसी फीलिंग है कि मैं आगे आ जाऊँगी सबके। और हमारे चौथे कंटेस्टेंट हैं अंजना बे। मेरा नाम अंजना है, मैं सुंडिया की रहने वाली हूँ। मेरे पापा खेती का काम करवाया, हमें 2 बहनों को पढ़ाया है, ऐसे हमारे भाई नहीं पढ़ चुके खेती के कारण। गांव में एक बहन थी वो बना रही थी और मैंने उससे सीख ली है ये बनाने की और मैं अभी घर पे ही सामान लाके बना रही हूँ। इस काम से हमारा घर अभी चला सकते हैं और ये सब सीखी हूँ तब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे दिन दिन आगे बढ़ती जा रही हूँ और आगे जा रही हूँ। मैंने आज तक किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं लिया है, मुझे लगता है कि मैं जीत सकूंगी लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। ये हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के मेहसाना आरसीटी की 4 सबसे एक्टिव सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ यहाँ से ट्रेनिंग ही नहीं ली बल्कि अपने सीखे हुए हुनर को आगे भी बढ़ाया, तभी तो इन्हें चुना गया हमारे आज के कंपटीशन के लिए। आप सबका टाइम शुरू होता है अब, गो। तो लो भाई, इंतजार हुआ खत्म और टास्क हुआ शुरू। तुरुरु 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 तुरु, कहां से करूं मैं काम शुरू।
अगर किसी के दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो मैं बता दूं कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को बीड्स पर धागा लपेटना है, फिर पेंडेंट पर लपेटना है, फिर बीड्स और पेंडेंट को डेकोरेट करना है और फिर इन सबको एक धागे में पिरोया जाएगा। हाँ भाई, टास्क में बड़ा मजा आएगा। आप क्या कर रहे हैं? ये धागा पिरो रहे हैं? हाँ, इसके बाद ये सामान को हम धागे से लपेट कर माला बनाने। ये आपने ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ? एक बना चुके हैं? हाँ, और दूसरा बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही बारीकी के साथ इसको बनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि एक प्रॉपर नेकलेस बनाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 2 घंटे ऐसे तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 2 घंटों में से ऑलरेडी 15 मिनट जा चुके हैं आपके पास। हाँ, मेरे को पता है। जहाँ अंजना बहन और पुष्पा बहन टास्क के सेकंड स्टेप पर बढ़ गई हैं, वहीं शगुना बहन अभी तक शगुन पे ही अटकी हैं। आई मीन इनकी तो अभी शुरुआत हुई है बस। कहाँ पहुँचे हैं आप? ओके, लेकिन आप बहुत अच्छे से बारीकी के साथ काम कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो स्माइल है प्यारी सी वो बरकरार है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई सनी, यही तो वो खास बात है जो हर काम को आसान बना देती है कि जो काम करो पूरे पैशन के साथ एंजॉय करके मन लगा के करो। आप ये क्या बना रहे हैं? सर ये पेंडल है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो पारे आ गए ना उसको बनाने का है। जी, आपको पता है कितना समय है आपके पास? 2 घंटे थे सर, उसमें से 15 मिनट जा चुके। 17 मिनट जा चुके। भाई सनी, टाइम के बड़े पक्के हैं किरण बहन, वो 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देने वाले, तो लगे रहिए लगे रहिए। जहाँ एक तरफ सारे पार्टिसिपेंट्स का फोकस है अपने टास्क पर, वहीं जजेस की नजरें टिकी हैं हर कंटेस्टेंट पर। और मौका पाते ही सनी पहुंच गए हैं अपना कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का ज्ञान बढ़ाने जजेस के पास। कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ये जो टर्म है, ये जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, ये अभी एक फैशन चल रही है कि हमने जो कॉस्ट्यूम पहनी है, जो कलर्स है जी, उसके कलर के हिसाब से हम पहने। राइट, तो अगर स्टेप्स की बात करें तो कितने स्टेप्स में एक जो गले का हार है वो तैयार किया जा सकता है? 4-5 स्टेप होते हैं इसके। ओके, पहले तो पेंडल पे बीड लगाना होता है जी, उसके बाद बीड्स भी रेडी करने होते हैं। राइट, फिर कैप्स लगानी होती है, थोड़ा सा डेकोरेशन करना होता है डायमंड से, कलर कॉम्बिनेशन की समझ भी अच्छा नहीं हो ना जी, तो चाहे कितना भी अच्छा बना ले जी, वो दिखने में बहुत ही बुरा लगेगा। पार्टिसिपेंट्स, सुना आपने, जल्दी नीट और क्लीन बनने के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। तो 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और देखते हैं कि कंटेस्टेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अंजना, हाँ बोलिए, आप कौन से स्टेज पे हैं? मैं अब ये माला बना के सेट तैयार कर दूंगी। मतलब आप लास्ट स्टेज पे हैं? हाँ। इसके बाद आपकी माला तैयार हो जाएगी? हाँ। ओके, लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दूसरे कंटेस्टेंट्स से अलग आपने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ। क्यों? क्योंकि सब एक जैसा बना। ओके, तो आप दूसरों से अलग करना चाहते हैं? हाँ। कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं? हाँ। ये आपकी क्रिएटिविटी। हाँ। ओके, कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए, कितना अलग अच्छा कॉम्बिनेशन है, कितने अच्छे से सजाया इन्होंने। पुष्पा बहन और अंजना बहन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। इनके हार तो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, यानी इनका हार इनको जीत की तरफ ले जा रहा है, पर शगुना बहन की स्पीड कुछ खास बढ़ी नहीं है अभी तक। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन, बीड्स, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, वाव। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आपसे एडवांस स्टेज पे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि तेज ना चलते हुए बहुत अच्छे से काम करें। ओके, लेकिन समय का भी आपको ध्यान रखना है। स्लो स्पीड के मामले में शगुना बहन को कोई टक्कर दे पा रहे हैं तो वो हैं किरण बहन। इनका काम भी थोड़ा स्लो चल रहा है भैया। क्या आपको नहीं लगता है कि आप जो बाकी 3 कंटेस्टेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा पीछे हैं? हाँ सर, मैं थोड़ा पीछे हूँ, पर मैं बना लूंगी, अभी टाइम नहीं मिला। आप कवर अप कर लेंगे? सनी गए तो जजेस आ गए पार्टिसिपेंट्स की धड़कनें बढ़ाने। एक तो शुरू से शगुना की स्पीड कम, ऊपर से अब हार में भी आ गई प्रॉब्लम। बस ये जो पेंडल बन गया है जी, इसमें जो कड़ी लगाई है वो गलत तरीके से लगाई है। ओके, जिस वजह से पेंडल सही ढंग से रहना चाहिए सामने की ओर।
वो नहीं रह रहा है, सेंटर में नहीं है और वो मूव हो रहा है। ओके, पूरा नहीं निकालना है तुझे, बस ये कड़ी को फोल्ड कर दे इसे। बस मैम पूरा निकालना पड़ेगा, ये ठीक करना होगा इनको। आपने तो ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, अभी थोड़ा ही ना, ये सूखने वाला है। ओके, फिनिशिंग बाकी है अभी भी, थोड़ा सा बाकी। क्लॉक इज टिकिंग, समय हाथ से निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी करिए कंटेस्टेंट्स। कम ऑन फास्ट। तो जब ये लोग अपना मेकिंग प्रोसेस खत्म कर लेंगे फिर उसे डिस्प्ले करेंगे, और उसके जो स्किल्स हैं वो भी इनके पास होने चाहिए, उसका हुनर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से आप उसे पेश करते हैं उस तरीके से आप उसे बेच सकते हैं। चलिए चलिए जल्दी करिए, कम ऑन फास्ट। टास्क खत्म हो चुका है, सबने डिस्प्ले पर अपना अपना हार सजा भी दिया है। स्लो मोशन वाली शगुना बहन भी समय से टास्क को खत्म कर चुकी हैं, लेकिन किरण बहन के चेहरे पर कुछ अलग ही परेशानी झलक रही है, जिसका पता करने पहुंचे सनी। वैसे तो मैं ना कभी हार नहीं मानती, पर अभी क्या है ना, मैं यहाँ बना पे बैठी थी ना, तो मेरा दूसरा ध्यान मेरे बच्चे पर था, क्योंकि उसे बुखार चढ़ा हुआ है। किरण जी, हम आपके हालात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कितने साल का है आपका बच्चा? अभी तो 8 साल के। क्या नाम है उसका? वंश। वंश? हाँ। आपको पता है एक माँ जो होती है ना, एक शिक्षक होती है, बच्चा माँ से सीखता है। आज जिस तरीके से आपने इस कॉम्पिटिशन में परफॉर्म किया है, आपके इन हालातों के बावजूद वो बहुत गर्व महसूस करेगा। और मैं आशा रखता हूँ कि आपका बच्चा आपसे सीखे, ठीक है? और अगर आप जीत गए तो वो खुशी आप उसके साथ कैसे शेयर करेंगे? वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा सर। दौड़ के जाएंगे घर? हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है आपका, एक बार जोरदार तालियां किरण जी के लिए। वाह किरण बहन, इसे कहते हैं जज्बा। द शो मस्ट गो ऑन, और जजेस का शो भी अब शुरू हो चुका है। बड़ी बारीकी से एक एक हार पे अपनी पैनी नजर घुमा रहे हैं हमारे जजेस। बट सिंपल है, सिंपल है बट सुंदर है। हार में थोड़ा फोल्ड है, हार बाहर निकल गया कि सारा फ्लो। अगर पहनेंगे तो यहाँ पे लगेगा स्किन, ये लगेगा गल पे, खुला छोड़ दिया है इन्होंने। अब हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रही है किसको विनर चुने। अब बारी है डिसीजन की। उससे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर दीपेंद्र सिंह, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा महसाणा। सर, आपका हुनरबाज पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जानते हैं रिजल्ट्स, एंड द कंटेस्टेंट हु हैज सिक्योर्ड द फोर्थ प्लेस इज किरण बेन। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। And the contestant who has secured the third place in this competition is Pushpa Ben. बस तो फिर देर ना करते हुए मैं अनाउंस करता हूं इस कंपटीशन के विनर का नाम। और वो है शगुना बेन। शगुना को विनर करने का रीजन एक ही था कि उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, और उसका टेबल सजाने का तरीका, उसका साइड में से थोड़ा तार दिख रहा है मगर उसका तो हमने माइनस पॉइंट उसको दिया ही है, उसके बावजूद वो विनर है। खुश हो गई बहुत, मैं जीत गई, उससे मुझे बहुत हौसला आ गया। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे
अभी अभी मेरे मम्मी पापा की भी याद आ गई और मुझे नार्सिट से बहुत कुछ मिला। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जीवन में आज तक पढ़ाई की है, मैं कभी 4 नंबर पे भी कुछ नहीं पाई। अभी मैं घर वालों को बताऊंगी तो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। कि मेरा हार थोड़ा सिंपल रहेगा ऐसा, इसलिए शायद मैं 2nd नंबर पे आ गई। मैं और मेहनत करूंगी और अच्छे से काम करूंगी। हमें इस बार हम 4th आए ना तो कोई बात नहीं, अब दूसरी बार कोई कंपटीशन होगी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और 1st आएंगे। पर लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 1st नंबर पे ही हूँ। मेरा भी मैरिज का बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और ऐसा कुछ भी काम होगा तो सगुना को तो मैं इनवाइट करूंगी। उसके बावजूद भी जो विनर नहीं हुए हैं उनको भी मैं, कुछ भी मेरे पास काम होगा उनके अकॉर्डिंग तो मैं उनको बुलाऊंगी और उनसे ये सब ऑर्डर करवाऊंगी। रहा ना आज का भाई हुनरबाज का ये कंपटीशन वाले एपिसोड तो एक अलग ही लेवल पे है ना। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं अपने अगले सेगमेंट JDIL से। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा पिछले हफ्ते का सवाल क्या था। हमने आपसे पूछा था कि फोटोग्राफी कंपटीशन को हमने अहमदाबाद की किस खास जगह पर ऑर्गेनाइज किया था। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज साबरमती आश्रम अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। आंसर है अहमदाबाद। गांधी आश्रम वडोदरा में। गांधी आश्रम। आश्रम का नाम साबरमती। राइट आंसर इज कोचरबा। बापू का आश्रम। माय आंसर इज गांधी आश्रम। बहुत सारे मिक्स जवाब आए इस बार हमारे पास, साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों ही जवाब सही हैं, चाहे आप गांधी आश्रम बोले या साबरमती आश्रम बोले। और अब वक्त है जानने का कि कौन है इस हफ्ते के विनर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पूरे 5,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड जिसे आप इस्तेमाल करके ढेर सारी शॉपिंग कर सकती हैं। तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और अब बारी इस हफ्ते के सवाल की। आज हमने आपको एक बेहद ही खूबसूरत सा कंपटीशन दिखाया है जिसमें आपको हमें बताना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को क्या टास्क दिया गया था। जी हाँ, उन्हें अपने कॉम्पिटिशन में कौन सी चीज बनानी थी, है ना इजी। तो आप हो जाइए बिजी और बनाइए अपना वीडियो और भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमें अपने जवाब 9757303030 पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। तो वक्त हो गया है खत्म और अब चलते हैं हम, आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते यही हुनरबाज में, आप जरूर देखिएगा। दुनिया से ताल मिलाने का डोरे मौका ढूंढो रे, ओ सारे जहां पे छाने का। हुनरबाज में अगले हफ्ते कंपटीशन पकड़ेगा और भी ज्यादा स्पीड जब हुनरमंद महिलाएं संभालेंगी ड्राइविंग सीट। तो देखना ना भूलें हुनरबाज। तू जानता है किस बात की है तेरी सपनों में ढल जा।
Hunnarbaaz Season 5, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda.